तो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक सिंगिंग प्लेटफॉर्म के बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगिंग दिल से। तो आज हम लोग उसका डाउट भी क्लियर कर देंगे कि वो फेक है, वो ऑडिशन फेक है या रियल है। तो मैंने एक हफ्ते पहले एक फॉर्म भरा था सिंगिंग दिल से, रजिस्टर करके मैंने उसमें अपना गाना एक रिकॉर्ड करके भेजा था। और एक हफ्ते बाद यानी कि आज मुझे मैसेज आया कि आप ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको आना पड़ेगा बनारस ऑडिशन देने, और फिर पेमेंट का फ़ी उन लोग मांग रहे हैं 1200 रुपये। तो क्या वो ऑडिशन फेक है? आप सभी को लग रहा होगा, आप सभी के मन में डाउट होगा कि क्या वो ऑडिशन फेक है या नहीं। तो आज हम लोग उसी को क्लियर करेंगे। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। आप सभी देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो चलिए व्हाट्सएप पे चलते हैं। पहले व्हाट्सएप पे आने के बाद मैं सिंगिंग दिल से व्हाट्सएप नंबर पे चल जाता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैंने अगस्त 6 को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने गाना भी गाया था जिसका नाम है सुन मेरे हमसफ़र। मैंने अपने चैनल पर भी ये गाना गाया हुआ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी को सुनना होगा तो आप लोग सुन सकते हैं। तो मैंने 6 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करवाया था और मैंने गाना दिया था उन लोगों को। और फिर 12 अगस्त को मुझे एक मैसेज आया, लिखा था कि हाय कॉन्टेस्टेंट, कंग्रेचुलेशंस, यू आर क्वालिफाइड फॉर द स्टूडियो राउंड, वी आर इम्प्रेस्ड with your singing and we want you to perform in a studio on 23rd August 2020 in your city, and if you are not able to attend a studio round, you can also give online audition by sending selfie videos। तो मैं आपको ये समझा दूँ कि मैंने जो उन लोगों को गाना रिकॉर्ड करके भेजा था, उन लोगों ने बोला कि ये गाना अच्छा है और मैं आपको स्टूडियो राउंड के लिए सेलेक्ट करता हूँ। तो स्टूडियो राउंड मतलब होता है आप लोग सभी को स्टूडियो में जाके गाना गाना पड़ता है वहाँ पर। तो मुझे बोला गया 23 अगस्त को जाना है और मैं एबल नहीं हूँ, पर मैं एबल हूँ अभी जाने के लिए। पर मैं जब एबल नहीं रहूँगा तो आप सभी ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन मतलब आप लोग वीडियो भेज के उन्हें ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं कैरोके ट्रैक पे जाकर। तो यहाँ पर कैरियोके के ट्रैक के लिंक है, चूज एनी वन सॉन्ग, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सॉन्ग है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सारे सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले वाला मतलब बातें ये कभी ना चूज करूँगा, आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उधर से मुझे वॉइस मैसेज भी आया था जो कि इसके ऑर्गेनाइजर किए थे मुझे। तो अभी इसका फेक पता कर लेते हैं या फेक है या नहीं। मैं YouTube पे चल रहे हैं, YouTube पे पहले चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिंगिंग दिल से का पेज ओपन करके लिखा है। आप सभी सिंगिंग दिल से सर्च करेंगे तो आप उसका यूट्यूब चैनल आपके सामने खुल के रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये, तो ये प्रोफेशनल चैनल लग रहा है मुझे, कोई भी फेक अभी नहीं लग रहा है मुझे। तो चलिए एक ऑडिशन वाले पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऑडिशन वाला है, ये सब मुझे ये फेक नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं जजेस भी सामने बैठे हैं। आपको मैं बता दूं सिंगिंग दिल से एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने सिंगिंग को दिखाने के लिए। तो आप सभी रजिस्टर भी कर सकते हैं इसे। तो मुझे नहीं लगता कि ये फेक है। अभी हम लोग इसके यूट्यूब और
यूट्यूब पे तो चलेगा, अब इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं। इंस्टाग्राम पे भी 1.11K की फैमिली है इस पे, आप सभी देख सकते हैं। आपको फॉलो करना होगा तो आप लोग उसे कर सकते हैं फॉलो। तो मुझे ये फेक नहीं लग रहा है, तो आप सभी इसमें अपना फॉर्म भर के इसमें देख सकते हैं। तो मैं आज इसका पेमेंट लिंक भी आपको दिखा देता हूँ। तो पेमेंट लिंक आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो मुझे फेक नहीं लग रहा है। तो आप सभी इसमें बेफिक्र 1200 रुपये पे करके अपने पास वाले शहर में जाके इसका ऑडिशन दे सकते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये फेक नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने चैनल को 200 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।